शिवानी भूलना मत, इस शनिवार को SDAEEADP है। पापा, अरे यार मैंने कहा था ना कोई भी मेरे सामने शब्दों की स्पेलिंग नहीं करेगा। अरे SDAEEADP मतलब साउथ दिल्ली एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एनुअल डिनर पार्टी। अरे साल मिस्टर और मिसेस सिंह भी उसका हिस्सा होंगे। ओ हाँ, पिछले साल आप इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि बॉबी पैदा हुआ था। उफ, तू जल्दी नहीं आ सकता था क्या हिमानी? अरे ये पार्टी बहुत मजेदार होती है। अरे साल का थीम है हाई वोल्टेज। जी मैं इस हालत में पार्टी में कैसे आऊंगी? मैं जानता था तुम यही कहोगी, इसीलिए इस साल पहली बार ये पार्टी हमारे घर पे हो रही है। क्या? हाँ, जब मैंने SDAEE मेंबर्स को बताया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, तो उन्होंने ही सुझाव दिया कि वो पार्टी हमारे घर पे करना चाहते हैं। वो कह रहे हिमानी कि पिछले साल में पार्टी में नहीं जा पाया तो बहुत से लोग मायूस हो गए। कमाल है, नॉर्मली आपके कहीं होने से लोग मायूस हो जाते हैं। घर पर पार्टी होने का एक फायदा है, कम से कम तुम लोग भी इस हाई वोल्टेज पार्टी में बोर हो। जी नहीं माँ, मैं उस रात्रि आपको इस साल के सबसे धमाकेदार फिल्म फैंटास्टिक फाइटर्स के लिए ले जा रहा हूँ। अरे हाँ, वो दुनिया के ग्रेटेस्ट 4 सुपरहीरोज की टीम के बारे में है ना? नहीं, ग्रेटेस्ट सुपरहीरोज भी नहीं कह सकते। वो क्या है ना, लोग रॉकमैन की डेथ को थोड़ा डाउट करने लगे। एक्चुअली फैंटास्टिक फाइटर्स के बारे में कुछ भी कहने से पहले आपको 100 साल पहले हुए ग्रेट फाइटर्स असेंबली के बारे में जानना होगा। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर रिया ने तुझमें देखा क्या। अगर किसी ने घर पर इंटरनेशनल दीमक छोड़ दी तो फिर ये पार्टी कैंसिल हो जाएगी। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। लॉली, मुझे अवतार सर ने मुझे अभी अभी सैटरडे के पार्टी के बारे में बताया, तुम एक्साइटेड हो ना? हाँ, हर लड़की का ख्वाब जो होता है कि वो अपने ही घर में अपने ही मम्मी पापा के साथ एक बिजली पार्टी करे। बिजली पार्टी नहीं डॉली, हाई वोल्टेज पार्टी, इतना कमाल का नाम है ना। अच्छा डॉली, मैं सोच रहा था कि अपनी मामी जी को भी साथ ले आऊं। एक तो मैं उनके घर पे रहता हूँ, वो इतना ख्याल रखती है मेरा, उनके लिए भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि अगर तुम सिर्फ अपनी मामी जी के साथ पार्टी करना चाहो ना, तो मैं तुम्हारे लिए बलिदान देने को तैयार हूँ। वाह डॉली, तुम कितनी फनी हो। हाँ हाँ पता है। एक्चुअली मेरी मामी जी तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती है, उसके बाद वो रिपोर्ट मम्मी को भेजेंगे और ये हमारे रिश्ते के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम रिश्ते में है। अब वो तो मामी जी की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना प्रेशर नहीं है। एक्चुअली काफी प्रेशर है। आपको क्या चाहिए? ओए, you're not asking me to be coming inside, है? शायद मुझे आपको अंदर बुलाना चाहिए, आखिर आप मेरी गर्लफ्रेंड की दादी जो, और आप मेरी दुश्मन भी हो, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। ओए, listening to I coming here to be tolding you that my dear darling पोती रिया कल रात तेरे साथ मूवी सीन के लिए not coming। क्यों? और बिकॉज़ उसके पेरेंट्स उसको कुछ दिनों के लिए taking to Shimla। क्या? मैंने ऑलरेडी फैंटास्टिक फाइटर्स की टिकट खरीद ली, अब मैं कैसे जाऊं? ओए, और वो तो तू अभी भी जा सकता है, आई खुद ही तुझे पिकिंग अप एंड टेकिंग यू टू द मूवी। आप मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों करोगे? ओए, ऑफ कोर्स मैं उस लड़के के लिए डेफिनेटली डूइंग अच्छा जो मुझे फैंटास्टिक फाइटर्स की मूवी दिखाने के लिए ले जा रहा है। क्या? मैं आपको कोई मूवी दिखाने नहीं ले जा रहा। यू गिव आई यस टिकट, आई गिव अ लिफ्ट। पर आप फैंटास्टिक फाइटर्स क्यों देखना चाहती हो? ओए, you're not to be knowing when I was something like little girl ना, तो मैं तब से फैंटास्टिक फाइटर्स के कॉमिक्स पढ़ रही हूँ। ओए, मेरे पास तो इसकी फर्स्ट कॉपी भी है जिसमें
पहली बार ये शब्द लिखे गए थे और उस दिन चार सुपर हीरोज ने डटकर मिलकर बुराई का सामना किया और फैंटास्टिक फाइटर्स का जन्म हुआ। मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। ओए, आई एम नॉट ओनली योर चकचकी रोली आंटी, आई एम हैविंग लेयर्स लाइक ओनियन। ठीक है, आप मेरे साथ मूवी के लिए आ सकती हैं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। और क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, थिएटर पहुंचते ही आप अपनी टिकट किसी और के साथ एक्सचेंज कर लोगी, ताकि हमें साथ में ना बैठना पड़े। और वो तो मैं पहले ही करने वाली थी, who to be liking to be sitting with you भैया। दूसरी शर्त, जाते और आते वक्त हम एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और that too I can start from obviously। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक हाई वोल्टेज पार्टी में जाने वाली हूँ। बिजली की आर्टिस्ट की सरी हुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है डॉली। माँ, आप तो बहुत सारे ऐसे पार्टीज में गई हो ना, तो बताओ ना कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब भी मैं ऐसी पार्टीज में जाती हूँ ना, मैं अपना स्विच ऑफ बटन ऑन कर लेती हूँ। स्विच ऑफ बटन, वो क्या होता है? ये मैंने तब इन्वेंट किया था जब मैं हॉस्पिटल में उस शालिनी के साथ काम करती थी। शालिनी मेरी बॉस, याद है ना तुझे? सच्ची मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है मिसेज हिमानी सिंह। आधा घंटा पहले मैंने ये सलाइन बॉटल्स मेरे पास मंगवाई थी। ना मुझे आपकी नौकरी करनी है और ना ही सड़ी हुई शक्ल देखनी है। मुझे मेन गेट तक छोड़ दो। बाय मजदूरों, लगे रहो लगे रहो। वो शालिनी कितनी सड़ियल थी। माँ, मुझे अभी भी आपका ये स्विच ऑफ बटन का फंडा समझ में नहीं आया। अरे, शालिनी की बातों को बर्दाश्त करने के लिए मैंने ये स्विच ऑफ बटन बनाया था। मैं जब भी ये बटन ऑन करती हूँ ना, मेरा दिमाग खाली हो जाता है, मैं अपनी ही दुनिया में गुम हो जाती हूँ। तुम समझ लो कि मैं हूँ भी और नहीं भी। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। माँ, आप ठीक तो हो ना? कितना मजा आ रहा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आप मुझे डरा रही हो। माँ, मैं कितनी देर के लिए स्विच ऑफ मोड में थी? कमाल है माँ, तो आप ये पापा के बोरिंग बिजली पार्टीज के लिए यूज करती हो? हाँ, या फिर जब भी बोरियत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि जब तुम्हारी बुआ माँ आती है, या फिर जब कामनी आंटी बात करने लगती है, या फिर जब मैं तुम बच्चों के स्कूल टैलेंट शोज में तुम्हारे नहीं बाकी सबके। फोन रख यार, तू इतना महंगा। पापा, आप इतने टेंशन में क्यों? पार्टी की इतनी सारी तैयारियां करनी है कि दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने वाला है। पापा, ये बिजली वाले जोक्स है ना, आप पार्टी के लिए बचा के रखिए। पार्टी के लिए तो मैंने अलग जोक्स प्लान किए, सुनेगा? नहीं। वैसे पापा, आपने पार्टी के लिए कौन सा केटर चूज किया है? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, दो तीन कोटेशंस आई हैं। वैसे अगर मैं आपको एक ऐसे केटर का नाम बताऊं जो आपके लिए मुफ्त में खाना बनाए तो? क्या बात कर रहा है, कौन है वो? वो यही है पापा। अच्छा, कहाँ? किधर है पापा? मैं। अच्छा तू। देखिए पापा, मुझे केटरिंग कॉलेज से एक असाइनमेंट मिला है जहां मुझे लोगों के लिए खाना बनाना है और उनका फीडबैक लेना है। तो अगर मैं आपके लिए केटरिंग करूं, आपका खाना मुफ्त में बन जाएगा और मेरा असाइनमेंट भी हो जाएगा। और तू इसके पैसे बिल्कुल नहीं लेगा? सिर्फ मैदा मलाई जैसी चीजों के लिए, बाकी कुछ नहीं। अरे वाह, शाबाश रोहन। कभी कभी तेरा दिमाग बहुत कमाल के आइडिया सोचता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती? लेकिन थैंक्स। पार्टी कैटरर्स, कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, नहीं ओ परा हट, पैर पीछे कर। ओए ओहो, ओए सारा पॉपकॉर्न गिरा दिया मेरा पीछे। क्या कर रही हो? साथ में नहीं बैठने वाले थे?
तो व्हाट टू बी डूइंग आई भाई, लास्ट मिनट पे कोई भी नॉट एक्सचेंजिंग सीट विद आई। हां इसलिए मैंने आपको गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा था। हैं तो कब कहा था? सोचा तो था, बस हमारे एक दूसरे से बात ना करने के रूल की वजह से चुप बैठा। अच्छा ठीक है। एक और जब मैं छोटा था तब मुझे अंधेरे से डर लगता था, अब जब बिजली का बिल आता है तो मुझे रोशनी से डर लगता है। मैं भी कितना फनी हूं ना। मैं ये ना सैनी और सकलानी को सुना क्या पाऊं। हिमानी तुम चलो ना मेरे साथ। मैं 2 मिनट के बाद आती हूँ, आप चाहिए ना। अच्छा ठीक है। लगता है मेरा स्विच ऑफ बटन ऑन करने का टाइम आ गया है, मिलते हैं 3 घंटे के बाद। मैं अब भी यही हूं, ठहरने की कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई करते हैं। अरे स्विच ऑफ बटन ऑन क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है। अब आप क्या करोगे माँ? पता नहीं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वैसे उतर, खाने पीने का बंदोबस्त किया है कि नहीं? हाँ किया है ना। ये रोहन क्यों नहीं आया अभी तक? अंकलों और आंटियों, आज की स्पेशल डिश। ये क्या है रोहन? कस्टर्ड पाया पापा। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू मीठा क्यों सर्व कर रहा है? खाना क्यों नहीं लाया? अरे वही तो लाया हूँ, यही है आज का वन एंड ओनली स्पेशल डिश, कस्टर्ड पाय विद फ्रेश व्हिप्ड क्रीम। यही आज का खाना है और यही आज का मीठा है, 2 in 1 पापा, 2 in 1। मतलब इसके साथ कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना पापा, चम्मच ट्राई कीजिए। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूंगी? माँ अगर ये सच में एक बटन होता ना तो पापा यूं चुटकियों में से ठीक कर देते, बिजली के आर्टिस्ट जो है। मैं एक हाई वोल्टेज पार्टी में अपना स्विच ऑफ बटन ऑन नहीं कर पा रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। माँ रिलैक्स, मैं तो बस आपको ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब आविष्कार अपनी मामी जी को साथ लेकर आएगा ना, तो आप पूरी पार्टी में उनसे बातें कर लेना, ठीक है? लगता है वो आ गया। हाय डॉली। हाय आविष्कार। अब तुम्हारी मामी जी कहाँ हैं? वो गाड़ी पार्क कर रही, आती होंगी। अच्छा। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो बेटा। और लोग आ गए। ये है मेरी मामी जी शालिनी आंटी और ये है तुम! तुम! मैम अच्छा लगा ना, कस्टर्ड पाई के बारे में फीडबैक देना मत भूल। हेलो लीजिए, कस्टर्ड पाई के बारे में फीडबैक देना मत भूल। ये लीजिए, कस्टर्ड पाई के बारे में फीडबैक देना मत भूलना। क्या इसमें ये लिख सकते हैं कि शेफ कितना घटिया और बेकार है? नहीं, आप सिर्फ कस्टर्ड पाई के बारे में लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कस्टर्ड पाई के बारे में फीडबैक देना मत भूलना। माँ प्लीज मेरी खातिर शालिनी आंटी से एक बार बात कर लो। ठीक है। कैसी हो शालिनी? तुमसे मिलने से पहले अच्छी थी। मैंने सुना है तुमने हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन कर लिया है। हाँ तुम्हारे बारे में भी पूछती, पर तुमने तो एक के बाद एक बच्चे पैदा करने को अपना फुल टाइम जॉब बना लिया है। शालिनी ना बात बात पर ताने मारती है, मेरा स्विच ऑफ बटन आज ही खराब होना था। आविष्कार मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं है, पर क्या तुम पार्टी से मामी जी को ले जा सकते हो? माँ उनकी वजह से बहुत अपसेट हो रही हैं। अरे लेकिन हिमानी मैम की वजह से जो मामी जी अपसेट हो रही हैं उसका क्या? एक्सक्यूज मी, माँ ने उनसे अच्छे से बात की थी, आंटी ने ही ताना मारा। हिमानी मैम भी कुछ कम नहीं है, और तुम ना बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो, किसी की बात सुननी है नहीं, बस अपनी मनमानी करती रहो। तुम भी बिल्कुल अपनी शालिनी आंटी की तरह बे मतलब का ताना मार रहे हो। वाह अब तो तुम अपनी मॉम की तरह बात करने लग गई हो। मेरी माँ को बीच में मत घसीटो, वरना वरना क्या क्या करोगी तुम? वरना मैं तुम पागल हो गई क्या? आ ये क्या?
नॉनसेंस है, वो पासवर्ड तो तेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे ही है ना। व्हाट हैपनिंग, ओ भाई जो लुकिंग टू माय फेस, वो ये तो इंटरनेट पे लिखा हुआ था ना। नॉनसेंस, ओए हु इज दिस फोन डिस्टर्बिंग अस, वी आर ट्राइंग टू द पिक्चर सीइंग ना। बोली आंटी वो आपका फोन है। हां ओए मेरा कैसे हो सकता है, एक मिनट। ओए यस यस, ओ भाई सॉरी भी सॉरी, माय सिंसियरली अपोलोजाइज। हेलो ओ बबली, आई कांट टू बी टॉकिंग नाउ बिकॉज़ आई एम पिक्चर सीइंग। ओए आई कांट टू बी टॉकिंग नाउ बिकॉज़ आई एम पिक्चर सीइंग। अरे यार अपनी मम्मी का मुंह बंद करो, ये मेरी मानी है। अरे जो भी है ना बोलो, चुप रहे आप, चुप रहो। ओए ओए बबली, आई नाउ फोन टू बी कटिंग बिकॉज़ पता है ओए पिक्चर में अब विलेन जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के बेटी को किडनैप करने वाला है, चल तू बता। अरे यार वो इस बुढ़िया रानी के मुंह पे टेप क्यों नहीं लगा था? बस बहुत हुआ, रूली आंटी बुढ़िया है, आप उन्हें रानी कैसे कह सकते हो? अब आप कुछ भी बोलना है मुझसे बोलिए, बस मेरे इस प्यारे मैनेजर से बात करने के बाद। तुम निकलो थिएटर के बाद। है शोर तो ये मचा रही है। वो भी तुम्हारे साथ बाहर जा रही है। ऊपर मैनेजर साहब मैंने क्या किया, व्हाट टू बी डूइंग आई। आप निकलो बाहर। एक्सक्यूजिंग आई, एक्सक्यूजिंग आई, और पैर पीछे कर। फाइनली ओए ये असली प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये तो उसका जुड़वा भाई है। और फिर उसने उसको पकड़ लिया, वहाँ एक छुछुंदर था। अब भी छुछुंदर का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। अच्छा लगा देखकर कि तुम जितनी लापरवाह हॉस्पिटल में थी ना उतनी घर पर भी हो। वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम बच्चों के साथ खेल रही हो, वरना मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बिना जहर उगले तुम किसी से बात भी कर सकती हो। ये बच्चे हैं ही इतने प्यारे, लगता है अपने पापा पे गए हैं। आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? बेटा तुम्हारी मम्मा को लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। उसने मुझसे पूछा था। लेकिन मम्मा आपने मुझे बॉबी से लड़ने को मना किया था और ये भी कहा था कि लड़ना बुरी बात है। क्या बॉबी तुम्हारा भाई है ना, एक सड़ियल आंटी नहीं। नहीं लड़ना अच्छी बात नहीं है, आप दोनों अभी के अभी शेक हैंड्स करके फ्रेंड्स बन जाओ। अभी वेरी गुड। वैसे हुक्म चलाने में तो ये बिल्कुल तुम पर गई है। अरे अरे क्या कर रहे हो ये तुम लोग, क्या बचकानी हरकत है ये, रुक जाओ सबके सब। अवतार बिजली कंपनी, ये सब क्या हो रहा है? हाय। तो निकी तुम्हारी वजह से माँ और शालिनी आंटी ने लड़ना बंद कर दिया, मैं और आविष्कार भी लड़ना बंद कर देंगे बस उसके 4-5 बार सॉरी बोलने के बाद। ओह जैसा कि तुम देख सकती हो पापा की धमाकेदार हाई वोल्टेज पार्टी के सारे निशान मिट चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि माँ ने लिविंग रूम साफ करने के लिए एक एक्सपर्ट बुलाया। हद होती है, करे कोई और भुगतो मैं। एक बार मुझे पता चल जाए वो पाइप फेंकना शुरू किसने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमें वो कभी नहीं पता चल पाएगा पापा। अरे पापा ये लो। ये क्या? मेरे खाने के सामान का बिल। फिक्र मत करो मैंने अपनी प्रोफेशनल फीस नहीं लगाई है। आखिर बेटा हुआ आपका, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे पापा! लगता है रोहन को पापा से कोई नहीं बचा पाएगा, उसे बोलो बेस्ट लक निकी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये अपने आप को बरसों बचा लेगा। हाँ
देखा, मैंने कहा था ना। बोलिए आंटी, आप थोड़ा धीरे बात करेंगे, लोग इरिटेट हो रहे हैं। हाँ, और खासकर मैं। आप जरा चुप रहेगी, देख नहीं रही मैं दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्यों भाई, मैं क्यों चुप करूँ? है, और मैंने टिकट के पूरे पैसे खर्च किए, जितना चाहे बोल लूंगी मैं तो। अच्छा, देखते। अब आप कैसे बोलेंगी? एक्सक्यूज मी, फायर फाइटर सर, आपने एक कमियां नहीं निकालना चाहता, पर लोगों को गायब करने की शक्ति पावर फाइटर की है ना। अच्छा, तो फिर मैं ये कैसे कर सकता? क्या किसी और को मेरी शक्तियों के बारे में कुछ कहना है? मुझे अभी अभी खबरदार टी वालों का फोन आया, उन्हें मेरे सेगमेंट के बारे में बहुत सारी चिट्ठियां मिली हैं। सनी भैया, आप ये क्या कर रहे हो? हम खबरदार टीवी वालों को मम्मी के सेगमेंट के बारे में प्यारी चिट्ठियां भेज रहे हैं, ताकि वो मम्मी को टीवी पे रखे, और उससे भी जरूरी उन्हें हमसे दूर रखे। अगर हमें किराया देने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो क्यों ना हम और एक रूममेट ले आए? जो अब मैं तुम्हें पूछने वाला हूँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या? क्या तुम्हारे पास 5,742 रुपये है? पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।